आप लोगों को ले पहुंचाऊं खाटू श्याम। आता है वो यहाँ का ही होके रह जाता है। आई लव यू खाटू श्याम जी। इसी बारे में तो आपने धोया ना, एक बार होली खेल रही है खाटू श्याम की और दूसरी बार खेलेंगे आप। मुंह में भी भर दिया रंग। एक्सपीरियंस रहा दर्शन करने का विशाल जी? एक्सपीरियंस बहुत खराब था, बिकॉज दर्शन करने नहीं। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में, और मैं देवेंद्र कंकरवाल आज आप लोगों को ले पहुंचाऊं खाटू श्याम। हाँ, जो कि बहुत दिनों से हम एक्साइटेड थे यहाँ पहुँचने के लिए, तो फाइनली हम जो यहाँ पहुँच चुके हैं और सुबह के जो है 6:45 हो रहे हैं और आज है 6 मार्च। मेरे साथ है मेरे मित्र साथी महेश, शिवम, अंकुर और विशाल। तो यहाँ से हम लोग आज की खाटू श्याम को जाने की यात्रा प्रारंभ करेंगे, और यहाँ से वो गेट जो खाटू श्याम जी का है वो कुछ ही कदमों की दूरी पर है। तो आपको वो गेट दिखाने वाले हैं और कैसी हमारी जो यात्रा होने वाली है वो दिखाने वाले। और हाँ, साथ बने रहिए आप लोग भी हमारे, क्योंकि आपको भी आज खाटू श्याम जी के दर्शन कराने वाले हैं। क्योंकि आज 6 मार्च और आज की रात 12 बजे से जो उनका जो दरबार है बंद कर दिया जाएगा होली की वजह से, और फिर जाके 9 मार्च को खुलेगा। तो आप लोग बने रहिए। तो सभी एक बार लगाएंगे जयकारा, बोल खाटू नरेश की। हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही अगली वीडियो जो है आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन में पहुँचे। कोई नाश्ता कुछ नहीं किया है, दर्शन करने के बाद ही हम लोग जलपान करेंगे। और रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पार्किंग वगैरह की भी सुविधा है। अगर आप कोई पर्सनल वाहन से अपने आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। पार्किंग का चार्ज जो है 100 रुपये है, 4-व्हीलर हो आपकी या कुछ 2-व्हीलर हो, और डे डे का जो चार्ज है वो 100 रुपये है यहाँ का चार्ज पार्किंग का। हम तो भाई बस आए थे, इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म है और फाइनली हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ से खाटू श्याम जी की यात्रा शुरू होती है। और ये वो पूरा जो चौराहा है, और ये आप सामने देख सकते हैं जो खाटू नरेश को जाने का रास्ता है वो यहाँ मेन गेट है, और यहाँ से जो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो भाई साहब, जो एक्साइटमेंट है वो हाई लेवल पर है, और हम लोग जो फाइनली, और जो दिल की जो इच्छा थी वो आज पूरी हुई और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और साथी मित्र हैं हमारे लोग साथ, और देख सकते हैं कितने लोग सुबह सुबह जो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो भाई साहब, जो एक्साइटमेंट है वो हाई लेवल पर है, और खाटू श्याम ने कहीं ना कहीं आज जो है दिल की सुन रही है, और फर्स्ट टाइम में ही। और देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, एक जन सैलाब जैसा यहाँ उमड़ा है, भीड़ है, और भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और देखिए महेश आ जाओ, आगे को जाओ, ये कोई नाच रहा कोई कुछ है ये सब, और ये झंडे की भी कोई प्रथा है, यहाँ से झंडा लेकर जाते हैं। और यहाँ ढोल भांगड़ा भी, इस तरह से जो खाटू श्याम आते हैं उनकी जो है प्रबल इच्छाएँ होती हैं प्रकट, और इस तरह से यहाँ खुशी जाहिर करते हैं। वो यहाँ गेट है, तो सभी जो है कमेंट सेक्शन में जाकर, जितने भी श्रद्धालु फिलहाल वीडियो को देख रहे हैं सभी जय श्री श्याम लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में जाकर। और देख सकते हैं सुबह के जो हैं फिलहाल जो है अभी 7:05 हैं, और इतना भीड़ और इतना जन सैलाब है, आप उनके लिए यहाँ से जो है गुलाब भी परचेज कर सकते हैं। खाटू श्याम को गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन मैं बता दूँ आगे जो गुलाब जो है बाहर ही छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वो गेट है, और यहाँ जो है पूरा जन सैलाब है, और यहाँ से लोग झंडे वगैरह भी खरीद कर जाते हैं। तो भाई साहब मैं तो बहुत खुश हूँ, और इस बंदे की प्लानिंग नहीं यहाँ आने की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है एक्साइटमेंट। मेरी जान गेट का गेट। तो ये है खाटू श्याम जी की रौनक और मस्ती, जो यहाँ आता है वो यहाँ का ही होके रह जाता है। तो आई लव यू खाटू श्याम जी, और रिप्लाई तो उधर से सेंड करेंगे। वो हम लोग यहाँ पहुँच चुके भाई साहब, एक्सलेटर पर है, और काफी जो है सारे जो दोस्त हैं मेरे पीछे हैं, और जो सब लोग हैं भारत, और भांगड़ा हर चीज़ पर होली खेल रहा है, गुलाल लगा रहा है, और यहाँ की जो मस्तियाँ हैं वो हाई लेवल पर हैं सारी।
गेट के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर किधर की साइड रह जाएगा, यहाँ से ये गेट है और गेट से मंदिर इधर की साइड बोल रहे हैं, इधर मंदिर किधर की साइड रह जाएगा। हाँ जी, मंदिर किधर की साइड है खाटू श्याम जी का मंदिर? अच्छा, इधर को जाना पड़ेगा। और ये गेट है यहाँ, यहाँ जो सब लोग होली इंजॉय कर रहे हैं। इत्र और गुलाब अल्लाह ऐसा है। अगर भाई भांजे देख रहा हो तो तेरे लिए दर्शन करने के बाद जब आएंगे हम कुछ यहाँ से खरीदेंगे, चाहे बेशक उसको हम खा ले या घर ले जाए। बिल्कुल आगे कहाँ से हो आप? जयपुर से। बिल्कुल से हो आप तो आएंगे भी। जय श्री खाटू श्याम। जयपुर 65 किलोमीटर। अच्छा, चले जयपुर? चले चलेंगे। अब की बार होली जयपुर सर आप तो कोई। यहाँ एक आपको अच्छी मार्केट भी देखने को मिलेगी, साथ साथ आप यहाँ से जो कॉस्मेटिक इत्यादि का भी सामान खरीद सकते हैं घर ले जाने के लिए। और यहाँ जो राजस्थानी जो शान है, जो टोपी होती है, हमको तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पगड़ी जी या जो भी कुछ है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। और ये इस तरह से देखिए, देखिए मॉर्निंग टाइम में बहुत सारी शॉप अभी बंद हैं, कुछ खुल रही हैं। और झंडे गुलाब इत्यादि यहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। अब किधर को जाना है, इधर या इधर? मंदिर मार्ग इधर तो इधर। अच्छा, ये एग्जिट गेट है। हाँ, इधर से जो बाहर आ रहे हैं हम, समथिंग गेट से जो है 500 मीटर चल कर आए हैं। तो यहाँ कहाँ रखोगे बैग? तो बैग रखोगे क्या यहाँ? क्यों, बैग अलाउ नहीं है क्या? बैग अलाउ में दिक्कत आई है, बूझ लो, बात कर लो फिर। यहाँ इधर से भी आ रहे हैं लोग, अगर हम आगे रखते हैं बैग तो इधर से भी आ जाएंगे। ये आ रहे हैं, आप लोग दर्शन करिए आए, बैग तो इनके पास भी है। अच्छा, बैग आगे रखने की सुविधा है? आगे रखने की सुविधा है उछीड़ है आज तो, और अच्छी चौड़ी सड़कें देखने को आपको यहाँ मिलेंगी। और यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं आप अपने खाने के लिए और खाटू श्याम को भोग लगाने के लिए। पांचों जो है पहली बार जा रहे हैं दर्शन के लिए। मैं ये देख, तेरी वीडियो बना ली मैंने, तो जैसे आज बेटे लेके जाओ और कल कर पूछो तो करो इसको, करो ढाई सौ देख, दोबारा आएगा उठा ले। क्या रुपये का एक है? रुपये का कितने का? चलो आ गया मेरा। अरे अंदर जी, क्या कर रहे हैं क्या? तो खाटू श्याम जी को प्रपोज करने के लिए गुलाब हम लोगों ने परचेज कर लिया है। पैदल यात्री मार्ग इधर से है, सारे जो गुलाब हैं यहीं तक हैं, इससे आगे आपको गुलाब लेने ले जाने नहीं दिया जाएगा। और माला जो है सब यहीं है, इससे आगे नहीं जाने देंगे, इससे आगे अलाउ नहीं है। और झंडे आप जो कुछ भी ला रखे हैं सारी चीज़ यहीं समर्पित कर देनी है उनके चरणों में। और यहाँ देख सकते हैं गुलाब और झंडे और जो भी जो है मालाएं जो हैं सारी यहीं समर्पित हैं। तो आप लोग अगर आ रहे हैं सारी चीज़ लेकर तो यहीं इनको समर्पित कर देंगे पूरी श्रद्धा के साथ, दरबार में अंदर नहीं ले जाने जाया दिया। बोलो श्री खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राम।
एक बड़ी एलईडी है नाइट के लिए और बड़ी गैलरियों की यहाँ पर जो सुविधाएं और काफ़ी गैलरी हैं, बीच में जो स्पेस छोड़ा गया है और यहाँ से जो है ना पूरा जो बनाएगा उधर भी बनाएगा। फिलहाल उधर नहीं चल रहे हैं श्रद्धालु, इधर की रो में चल रहे हैं और ये काफ़ी जो 5 के समथिंग जो है यहाँ देखिए एलईडी भी ऑन कर दी गई है और पूरा एक बड़ा टीन सेट डाला गया है यहाँ पर खाटू श्याम जी का। जो श्रद्धालु आते हैं इन पंक्तियों में आते हैं और यहाँ जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उमड़ी हुई है और ये देख सकते हैं आप पूरा जो दृश्य है कैमरे में कैद हो रहा है। और यहाँ साइड में जो है प्रसाद वगैरह की शॉप भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी और हमारे जो पीछे लोग चल रहे हैं और हम मेरे पीछे जो भाई साथी जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग प्रसाद भी खरीद सकते हैं अगर कोई प्रसाद नहीं खरीद कर लाया है तो। वो छोटे छोटे बच्चे और लोग यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। डाइवर्ट होंगे और इस वाली लाइन में विजिट कर लेंगे। अब आरती का शायद टाइम हो गया है और हम जो गलत रोड से आ गए शायद, अब पता नहीं आगे आगे आ गए क्या अपन। आगे जाने दे रहे हैं इस लाइन से चाहिए। बहुत अच्छा सीन कर देती होंगी रात में। और इधर की देखो ये सारी जो झालरें वगैरह हैं और इस पर पड़ती हूँ एक्सपीरियंस रहा दर्शन करने का विशाल जी। एक्सपीरियंस बहुत खराब था बिकॉज दर्शन करने नहीं गए जीप से। हाँ वो धक्का मुक्की कर रहे थे और बिहेवियर जो यहाँ के लोगों का है वो थोड़ा ऐमानी है नहीं, लेकिन जो दर्शन हुए वो श्रेष्ठ हुए।